हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। कार्नेशन कल्टीवेशन में आज हम लोग आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर लेक्चर 7 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कार्नेशन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, वैरायटीज़ देखी, उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन देखा, फिर ये देखा कि किस तरह से कार्नेशन को प्रोपोगेट करके प्रोटेक्टेड कंडीशन में या किसी पॉली हाउस या शेड हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर कैसे उसको प्लांट करते हैं, कैसे ब्रेड प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आज के सेकेंड पार्ट में हम लोग कार्नेशन प्लांटिंग के बाद कार्नेशन में किस तरह से इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेज अप्लाई किया जाता है या कौन कौन सी इंटरकल्चरल ऑपरेशन की जाती है या किस तरह से कार्नेशन का केयर और मैनेजमेंट किया जाता है ड्यूरिंग दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइजेंथिमम का इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस दो प्रकार की हैं, एक जनरल दूसरी स्पेशल। जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिस में तीन प्रैक्टिसेस होती हैं, इरिगेशन, मैन्योरिंग और वीडिंग। तो पहले हम लोग जनरल इंटरकल्चरल ऑपरेशन देखते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल। फर्स्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स कि मतलब कितना फर्टिलाइजर या मैन्योर का एप्लीकेशन जो है किया जाता है कार्नेशन के कल्टीवेशन में। तो कार्नेशन के प्लांटेशन के बाद शुरुआत के जो है 3 हफ्तों में, फर्स्ट 3 वीक्स में तो किसी भी तरह से कार्नेशन में किसी भी तरह का इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन 3 हफ्ते के बाद फिर हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करेंगे। जैसे 40 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम फॉस्फोरस और 10 ग्राम पोटेशियम, और साथ ही साथ 5 kg जो FYM है वो हम पर मीटर स्क्वायर में अप्लाई करेंगे। मींस जितनी भी हमारी रेक्टेंगुलर बेड है पॉली हाउस के अंदर, उसमें प्रति मीटर स्क्वायर में हमें इतना NPK और 5 kg FYM जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे फ्लावर की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। या फिर हम जो है NPK, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एप्लीकेशन करें 250, 80, 200, 125, 400 ग्राम इस रेशियो में, 250:80:200:125:400, मीन्स 250 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम फॉस्फोरस, 200 ग्राम पोटाश और 125 ग्राम कैल्शियम और 400 ग्राम मैग्नीशियम का एप्लीकेशन साल भर में इतना करना है, वो भी 1 meter square एरिया में। साल भर में पौधे को इतना NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मीन्स ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं या प्राइमरी सेकेंडरी फर्टिलाइज़र हैं, ये मिलने चाहिए। और 15-15 दिन के अंतर पर 24 स्प्लिट डोजेज में, मीन्स ये जो डोजेज लिखी हुई हैं ये कुल डोज है साल भर के लिए, इसको 24 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन डोजेज को, और फिर 15-15 दिन पर जो है अप्लाई करना है। तो उससे भी जो है फ्लावर की यील्ड और क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है। दूसरी इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है इरिगेशन। इरिगेशन हमें तभी से स्टार्ट कर देना है जैसे ही हम कटिंग जो है पॉली हाउस में हम प्लांट करते हैं। प्लांटेशन के जस्ट बाद जो है हम इरिगेशन करते हैं। सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए ताकि कटिंग्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद जो है मतलब शुरुआत के दिनों में तो स्प्रिंकलर या फॉगर या मिस्टिंग से जो है इरिगेशन करते हैं, और फिर बाद के दिनों में जो है ड्रिप इरिगेशन से। तो ड्रिप इरिगेशन जो है 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने तक अच्छे से पौधा जब इस्टेब्लिश हो जाए तब हम ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो पर मीटर स्क्वायर एरिया में वो होती है 4 से 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, यानी एक दिन में 1 meter square एरिया में 4 से 5 लीटर वाटर जो है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है इरिगेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग और नहीं होनी चाहिए, या ओवर वाटरिंग हो गई है तो और ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है तो वो कंडीशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज रूटिंग हो जाएगी, अल्टीमेटली प्लांट की जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली प्लांट जो है वो डेड कर जाएगा वो, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है वो रूट्स को ऑक्सीजन जो है एरेशन ख़त्म हो जाता है तो रूट्स जो है रेस्पायर नहीं कर पाती क्योंकि उनके आसपास ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाती है।
तो इसलिए जो ग्रोइंग मीडियम है या सॉइल है वो सिर्फ मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना कि वाटर लॉग्ड। स्टेकिंग की जो तीसरी इंटरकल्चर प्रैक्टिस है, ये तो दोनों मैन्योरिंग और इरिगेशन, ये तो जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई, साथ ही वीडिंग भी। वीडिंग मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई वीड आपको दिख रहा है तो आप उसे तुरंत अपरूट कर दीजिए, क्योंकि एक बार फिर जब प्लांट इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वीडिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये तो जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिस हो गई। अब नेक्स्ट है स्पेशल। स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहला है स्टेकिंग। प्लांटेशन के बाद अगर कार्नेशन में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेकिंग की। हम लोगों ने देखा कि कार्नेशन जो है हर्बेशियस प्लांट है या हाफ हार्डी प्लांट है। ये बहुत जैसे ही इसकी हाइट जो है वो ग्रो करती है, मतलब आपने देखा, हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि 80 सेंटीमीटर तक प्लांट की हाइट जाती है, तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है वो झुकने लगता है, इसलिए प्लांट को जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोर्ट के लिए इस आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि किस तरह से प्लांट को कितना ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है, कि हर जितनी भी रेक्टेंगुलर जो क्यारियाँ हैं उसके चारों तरफ मेटेलिक वायर, मतलब जो मेटल के जो वायर होता है उससे पहले स्टेक किया गया, मतलब चारों तरफ वो वायर से फ्रेम बनाया गया है, और वो सारा वो जो मेटल वायर है वो बीच में भी जो है नायलॉन का जो वायर है उससे वो जो है गुथा हुआ है ना। तो ये जो नायलॉन का वायर है ये जो है अक्रॉस द ब्रेड, यानी बेड के जो बीच बीच में, पौधों के बीच बीच में भी ये चौकोर चौकोर ब्लॉक्स के टाइप में हैं ये वायर्स हैं, सॉरी ये जो है नायलॉन का मैश है या नेट टाइप का ये है, बड़े बड़े इसमें ब्लॉक्स होते हैं। तो वो जो प्लांट की जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो वैसे वैसे हम इन जो है सपोर्ट मटेरियल को जो है वो लगाते जाते हैं, ताकि कोई भी पौधा जो है वो गिरे नहीं। लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे सपोज दैट कि अभी पौधा छोटा है, जब आपने ट्रांसप्लांट किया तो सबसे पहले जो है एक वायर की जो मैश है वो आप बिछा देते हैं, है ना, मेटेलिक वायर की मैश है वो बिछा देते हैं, और प्लांट उसी ब्लॉक्स के बीच में आपने प्लांटिंग कर दी। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर फिर हम दूसरी वायर की मैश, थोड़ी ऊंचाई पर दूसरी वायर की मैश लगाते हैं या जाल जैसा बिछाते हैं, फिर पौधा थोड़ा और बड़ा होता है तो हम तीसरा जाल, फिर चौथा जाल, इस तरह से करके हम थोड़ी थोड़ी दूर पर ये जाल जैसी स्टेकिंग करते हैं। आप इस इमेज में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से कई लेयर्स में जो है पौधे को स्टेकिंग जो है वो की गई है। तो ऑप्टिमम सपोर्ट के लिए जो है नीचे की जो बॉटम की जो मैश है उसका साइज़, मतलब जो जाल है उस वो छोटे जाल हम इस मतलब मैश या जाल का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम बड़े बड़े साइज़ के जाल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नीचे पौधा सिंगल स्टेम पे होता है तो छोटे जाल जो है ज़रूरत पड़ती है, और जैसे जैसे पौधे में ब्रांचिंग होने लगती है तो हर पौधे के आसपास का जो जो मतलब जिस ब्लॉक के अंदर से जो प्लांट है, मतलब जाल के जिस ब्लॉक से प्लांट निकला हुआ है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉटम में जो जाल बिछाएंगे वो 7.5 सेंटीमीटर के साइज़ के होंगे या 10-10 सेंटीमीटर के, फिर उसके बाद दो जाल उसके ऊपर और लगाएंगे जो कि 12.5 सेंटीमीटर के होंगे, और सबसे ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर के, मतलब वो ज़्यादा चौकोर होंगे। तो सबसे ऊपर वाले ज़्यादा चौड़े हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेज जो है नंबर ऑफ ब्रांचेज ऊपर की साइड ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए थोड़े से बड़े जाल होंगे। तो इस तरह से 4-5 लेयर जो जाल है वो नेट है वो पौधे में नीचे पौधे के बेस से लेकर के ऊपर तक वो लगाया जाता है। थोड़ा सा ये कॉस्टली मेथड है, इसमें इसकी स्टेकिंग जो है ये थोड़ी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसी वजह से पॉली हाउस के अंदर इसका कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंटरकल्चरल ऑपरेशन है पिंचिंग। पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंचिंग का मतलब वही है जैसे हम लोगों ने क्राइसेंथिमम या रोज में या जरबेरा में डिस्कस किया था। पिंचिंग का मतलब कि जैसे पौधा सिंगल स्टेम ग्रो कर रहा है तो अगर हम उसमें चाहते हैं कुछ और ब्रांचेस चाहते हैं जिसमें कि दो या चार ब्रांचेज और चाहते हैं जिसमें कि फ्लावर प्रोडक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, मेन जो टर्मिनल जो मेन स्टेम है उसके टिप को हम जो है 4-7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक की टिप को जो है तोड़ देते हैं, ताकि साइड ब्रांचिंग या साइड लेटरल्स जो है वो अलाउ हो। फिर जैसे ही हमने इमेज में आप देखिए कि ये जो कि फर्स्ट वाली इमेज में
कि मेन स्टेम है, मेन स्टेम जो टिप वाली जो बड है उसको वहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर नीचे तक जो है वो उसको पिंच कर दिया गया है। देखिए यहाँ कट, ये इमेज में लिखा हुआ है कट हियर, डॉट डॉट करके जो लाइन बनी हुई है यहाँ तक का एरिया आप पिंच कर देंगे, मीन्स उतने ऊपर की इतनी 4 से 7 सेंटीमीटर की स्टेम जो है वो तोड़ देंगे, तो उसके जस्ट नीचे से सेकंड वाली इमेज में देखिए कि साइड ब्रांचिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से नीचे 4 से 6 नई जो ब्रांचेज आती हैं, सॉरी 2 ब्रांचेज आती हैं, फिर फर्दर इन दोनों ब्रांचेज को आप फिर सेकंड पिंचिंग भी कर सकते हैं ताकि उनमें भी कुछ और ब्रांचेज आ जाएं। तो इस तरह से 4 से 6 लेटरल जितने आपको रिक्वायर हो उतने लेटरल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम पिंचिंग करते हैं। और पिंचिंग का जो टाइम होगा वो हम कब करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब पौधा 3 से 4 हफ्ते का हो चुका हो, मतलब लगभग 1 महीने से ऊपर का पौधा हो गया हो, तब हम पहली बार पिंचिंग करेंगे। और पिंचिंग जो हम करेंगे वो मॉर्निंग आवर्स में करेंगे, ठीक है। अब पिंचिंग भी कई प्रकार की होती है, सिंगल पिंच भी होता है, 1.5 पिंच भी होता है और डबल पिंच भी होता है। तो क्या होता है सिंगल, 1.5 और डबल पिंच, इसको देख लेते हैं। सिंगल पिंच मतलब कि जैसे एक बार पिंच करते हैं, मींस जब पौधा 6 नोड का हो जाए, यानी 1 महीने में पौधा 6 नोड का हो जाता है, उसमें 6 गांठें आ जाती हैं, है ना। तो उसके बाद पहली पिंचिंग करते हैं जिसमें 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर का टिप पोर्शन को जो है वो रिमूव करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस इमेज में देखा, ताकि साइड शूट्स प्रोड्यूस हो। उसके बाद दूसरा तरीका है सिंगल पिंच के अलावा, दूसरा है 1.5 पिंच। 1.5 पिंच में मतलब कि एक तो सिंगल पिंच होगा और दूसरा जो है पूरा नहीं हाफ पिंच होगा। हाफ पिंच का मतलब है कि जैसे आपने पहली पिंचिंग की, पहली पिंचिंग करने के बाद देखिए 2 साइड शूट्स प्रोड्यूस हुई, सेकेंड वाली इमेज में देखिए 2 साइड में शूट्स आई, तो दोनों शूट्स में से आप किसी एक शूट में फिर दोबारा पिंच करें, दोनों में नहीं किसी एक में सेकेंड पिंचिंग कर दें, तो वो कहलाता है 1.5 पिंच। इसका मतलब ये हुआ कि जो है जिस शूट में आप पिंच कर रहे हैं उसमें दूसरी जो है और साइड शूट्स प्रोड्यूस होंगी, और कुछ दिनों के बाद मतलब 15 या 20 दिन के बाद आप फिर दूसरी जो शूट रह गई है, जो ये सेकेंडरी लेटरल जो फर्स्ट पिंचिंग के बाद प्रोड्यूस हुई थी, जो दूसरी रह गई है उसको 15 दिन के बाद फिर से पिंच करें, तो ये कहलाता है 1.5 पिंच। तो इससे होता क्या है, 1.5 पिंच से, 1.5 पिंच से ये होता है कि आपके जो है जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं और अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो आप जो है एक लंबी रेगुलर सप्लाई जो है फ्लावर्स की वो जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, मीन्स लंबे पीरियड तक आप फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, मीन्स सारे फ्लावर एक साथ या बर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे और सारे फ्लावर्स एक साथ प्रोड्यूस नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है डबल पिंच, मतलब सिंगल पिंच या तीसरे टाइप का पिंच है डबल पिंच। सिंगल पिंच हो गया, 1.5 पिंच और फिर डबल पिंच। डबल पिंच में मीन्स जैसे आपने फर्स्ट सिंगल पिंच किया उसके बाद 2 साइड शूट्स आई, तो जब 2 साइड शूट्स आई तो उन दोनों साइड शूट्स को फिर 1 महीने बाद आपने दोनों को एक साथ पिंचिंग कर दिया, है ना। जब दोनों को एक साथ करते हैं तो मतलब डबल पिंच, तो ये वही चीज़ है। तो सिंगल पिंच या 1.5 पिंच और डबल पिंच, तो ये 3 तरीके होते हैं पिंचिंग के। नेक्स्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस इज डिसबडिंग। अच्छा, पिंचिंग का मकसद क्या होता है, पिंचिंग का मकसद ये होता है कि जब हम मोर नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट चाहते हों, एक प्लांट से कई सारे फ्लावर्स हम चाहते हों, तब हम पिंचिंग ऑपरेशन करते हैं। और पिंचिंग हम तब करते हैं जब हम जो है जैसे स्प्रे टाइप का जो कार्नेशन है वो प्रोड्यूस करना है। स्प्रे टाइप कार्नेशन में यही होता है कि हम जो है मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स पर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डिसबडिंग। डिसबडिंग क्या है, यानी रिमूवल ऑफ फ्लावरिंग बड, रिमूवल ऑफ फ्लावरिंग बड। तो इसमें क्या करते हैं डिसबडिंग में, डिसबडिंग दोनों ही तरह के कार्नेशन में किया जाता है, चाहे वो स्टैंडर्ड टाइप का कार्नेशन हो चाहे वो स्प्रे टाइप का कार्नेशन हो। जब हमें स्टैंडर्ड कार्नेशन में जब हम डिसबडिंग करते हैं तो वहाँ मकसद ये होता है कि हमें पर प्लांट एक फ्लावर या 2 फ्लावर लेने हैं, या पर शूट या पर ब्रांच में 1 फ्लावर हमें लेना है, सिंगल फ्लावर। तो होता क्या है कि एक ब्रांच में कई सारे अगर फ्लावर्स आ जाते हैं तो टर्मिनल जो मेन जो बड होती है उसको छोड़ के साइड्स की बड को रिमूव कर देते हैं। जैसे ये देखिए इमेज में, डिसबडिंग में अगर आप देखें तो ये जो पहली वाली इमेज देखिए ये स्टैंडर्ड में है, ये जो जैसे स्टैंडर्ड कार्नेशन में देखिए साइड्स की बड को ये रिमूव कर रहे हैं और सेंटर वाली बड को
रहने देते हैं। इधर ये जो यहाँ पे नीचे भी साइड की है इसको भी रिमूव करना होता है, यानी हमें सिंगल जो है बड, वो टर्मिनल बड को रहने देना होता है और एक्सिलरी बड को रिमूव करना होता है। ऐसा हम स्टैंडर्ड में करते हैं। तो इससे होता क्या है डिसबर्डिंग से, डिसबर्डिंग से ये होता है कि जो साइड्स की जो बड होती हैं उनमें जो खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो सारा का सारा खाना फिर इस टर्मिनल मेन ऊपर की बड में जाता है और फ्लावर एक एक ही फ्लावर प्रोड्यूस होता है पर लार्ज साइज़ का और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सारा का सारा फूड और न्यूट्रिएंट जो है उसी को ट्रांसपोर्ट हुआ है ना। दूसरा डिसबर्डिंग स्प्रे टाइप में भी करते हैं। स्प्रे टाइप में हम तब करते हैं जब हमको डिसबर्डिंग मतलब हम ज़्यादा मतलब इसमें भी वही है, पिंचिंग के बाद जब हम मोर नंबर ऑफ साइड शूट्स या मोर नंबर ऑफ बर्ड्स हम चाहते हैं पर शूट, तब भी हम डिसबर्डिंग जो है वो करते हैं। लेकिन इसमें जो है डिसबर्डिंग अपोजिट होता है, इसमें हम क्या करते हैं डिसबर्डिंग जो है हम टर्मिनल बर्ड को रिमूव करते हैं और साइड वाली बर्ड्स को वो हम रहने देते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या है साइड बर्ड्स को रिमूव किया गया है, टर्मिनल को रहने दिया गया है। लेकिन जब हम स्प्रे टाइप में पिंचिंग करते हैं तो हम टर्मिनल बर्ड को हटाते हैं और साइड बर्ड को जो है वो प्रमोट करते हैं, ताकि साइड की जो ब्रांचेज हैं उनमें जो बर्ड्स हैं उनमें जो है फूड डाइवर्ट हो और स्प्रे टाइप जो है फ्लावर का प्रोडक्शन हो। तो जो बडिंग डिसबडिंग का जो टाइम है वो है, वो सॉरी जो किस टाइम पर हम डिसबडिंग करेंगे, जब जो बर्ड्स हैं उनका जो डायमीटर है वो 15 mm का हो, यानी 1.5 cm की बर्ड का डायमीटर हो, इससे ज़्यादा बर्ड जो है ग्रो ना करने पाए। आप देख सकते हैं इमेज में कि छोटी बर्ड्स को ही ये जो है रिमूव कर रहे हैं। तो ये टेक्निक है डिसबडिंग की। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये तो सारी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस थी कार्नेशन की। देखिए जितनी भी क्रॉप्स आप लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल क्रॉप, चाहे वो रोज़ हो चाहे वो क्राइजेंथिमम हो जर्बेरा हो, सभी की इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, स्पेशली स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। जनरल वाली इरीगेशन वीडिंग मैन्योर तो सभी में होती हैं, स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस किस में कौन सी की जाती है इसे अच्छे से समझ लीजिए। और ऑब्वियस पिंचिंग डिसबर्डिंग तरीका वही है, सभी में किया जाता है, पर कब किया जाता है कैसे किया जाता है ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको आपको हर क्रॉप को अलग अलग से समझना होगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कार्नेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है कैलिक्स स्प्लिटिंग, यानी जो कैलिक्स होता है मतलब जब कैलिक्स का मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं बड्स बड जिसमें कि अभी अंदर पेटल्स जो हैं जिसके अंदर पेटल्स हैं और जब पेटल्स के नीचे का जो होल होता है उसे जो है कैलिक्स बोलते हैं ग्रीन कलर का, है ना। तो ये स्प्लिट कर जाता है, इसके स्प्लिट कर जाने की वजह से क्या होता है फ्लावर जो है उसकी कॉम्पैक्टनेस ख़त्म हो जाती है और फ्लावर जो है वो जो है उसकी पेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाती हैं और एकदम जो है वो हॉरिजेंटली ले कर जाती हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिसऑर्डर है कैलिक्स इस जो है क्राइजेंथेमम में सॉरी कार्नेशन में। और ये होता है जो है टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो भी कैलिक्स स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि रेजिस्टेंट कल्टीवार, क्योंकि कुछ कल्टीवार होते हैं जिनमें कैलिक्स स्प्लिटिंग मतलब टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो कैलिक्स स्प्लिटिंग उसमें होती ही होती है। तो इसका एक तरीका है कि रेजिस्टेंट कल्टीवार हम इस्तेमाल करें जिसमें टेम्परेचर को मतलब हाई टेम्परेचर टॉलरेंट कैपेबिलिटी हो, या फिर हम पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर को बिल्कुल फ्लक्चुएट ना होने दें और रेगुलेट वे में टेम्परेचर को मेंटेन करें। और या फिर एक तरीका होता है कंट्रोल का कैलिक्स बैंडिंग। कैलिक्स बैंडिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे ही जब फ्लावर ओपनिंग हो रही होती है तभी हम जो है एक प्लास्टिक टेप की मदद से कैलिक्स के चारों तरफ हम टेप जो है वो लगा देते हैं, मतलब एक रबर बैंड लगा दें कैलिक्स में या फिर हम प्लास्टिक के टेप से कैलिक्स को बांध देते हैं, बहुत टाइट नहीं बहुत ही लूज, कि जिससे क्या हो कि जब फ्लावर की ओपनिंग हो रही हो शुरू होने वाली हो उससे पहले बांध देते हैं तो कैलिक्स के स्प्लिट होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये जो है तरीके हैं कैलिक्स स्प्लिटिंग को रोकने के। उसके बाद हार्वेस्टिंग के, हार्वेस्टिंग हम जो है फ्लावर्स की जो हार्वेस्टिंग करते हैं या जो है या फिर उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो हम कैसे करते हैं कि जो जब हम कार्नेशन को जब हार्वेस्ट कर लेते हैं और हाफ ओपनिंग स्टेज पे हम हार्वेस्ट करेंगे, जब फ्लावर जो है हाफ ओपन हो चुका हो पेटल्स तब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टेड फ्लावर को जो है बंच हम बनाते हैं उसकी लेंथ और स्टेम और डायमीटर के अकॉर्डिंग। बंच बनाने के बाद हम उसकी पल्सिंग करते हैं। पल्सिंग हम इसलिए करते हैं ताकि
फ्लावर्स की जो है वो वाज लाइफ जो है या फिर उसकी शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकें, है ना, उसमें जो है उसको उसको हाइड्रेट कर सकें और जो है उसकी जो है लंबे समय तक उसको जो है रिटेन किया जा सके। तो इसके लिए हम पल्सिंग करने से पहले जो बंच हमने बनाया है फ्लावर्स की, तो उसकी स्टेम को नीचे से ट्रिम करते हैं, थोड़ा सा एक बराबर हम कट करते हैं, वो भी एंगुलर कट करेंगे, हॉरिजेंटल कट नहीं करते हैं। और कट करने के बाद हम उसे तुरंत जो है एक बकेट में हम डालते हैं, जिस बकेट में सॉल्यूशन भरा होता है। सॉल्यूशन किस चीज़ का, जिस जो कि 2-5% सुक्रोज और उसमें वाटर में 2-5% सुक्रोज मिला हो और साथ ही हाइड्रोक्सी क्विनोन सल्फाइड यानी HQS या फिर सिल्वर नाइट्रेट को जो है उसमें ऐड किया गया हो एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर, उस सॉल्यूशन में हम जो है फ्लावर के बंच को हम डिप कर देंगे, तो इस 2-4 घंटे के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकेजिंग, जब अच्छे से फ्लावर रिहाइड्रेट हो जाएगा तो हम उसकी पैकेजिंग करेंगे। जो कॉर्यूगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं या कार्टून्स होते हैं उनमें हम उन चारों तरफ पॉलीथीन से लाइनिंग पहले कर देंगे, मतलब पॉलीथीन की लेयर चारों तरफ लगा देंगे, फिर उसके बाद हम फ्लावर्स को उसमें पैक करेंगे। पैक करने के बाद ऊपर से कवर नहीं करेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे उसको, बॉक्सेस को बंद नहीं करेंगे, हम उसको बॉक्स सहित उठा करके हम उसको किसी कोल्ड रूम में रखेंगे जहाँ पर लो टेम्परेचर में हम उसकी कूलिंग कराएंगे, ताकि जितनी भी हीट वगैरह हो वो सब उसकी, मतलब उसको पैक करने से पहले जो भी उसमें हीट हो वो पूरी तरह से वो निकल जाए। फिर फाइनली अगर हम कार्नेशन को स्टोर करना, वैसे हम फिर पैक करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर हम स्टोर करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग से पहले, तो हम 2-4 हफ्तों के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं। हम उन सारे जो कार्टून्स हैं या जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं उनको जो है हम 0 डिग्री लिखा हुआ है, 00 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उन बॉक्सेस को रखेंगे जहाँ पर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी मेंटेन रहे और उस रूम की या स्टोरेज की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90-95% होनी चाहिए। तो ये जो है ऑल अबाउट जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है कार्नेशन का। तो इसमें आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी जो है कार्नेशन की कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिसेस थी, तो इसमें जो है इसको आप लोग जो है पढ़ने की कोशिश करिए, वैरायटीज़ वगैरह कुछ हैं जो उसको याद करिए, ज़्यादातर वैरायटीज़ सब एग्जोटिक हैं, और इस तरह से हम कमर्शियल लेवल पर कार्नेशन का कल्टीवेशन करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ग्लैडियोलस कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।